आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है अभी 12 अप्रैल को। सर क्या कहती है जजमेंट, जरा इस जजमेंट को ध्यान से समझना। ओसिस साइबरनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में जजमेंट है। सर जजमेंट को जरा ध्यान से पढ़ेंगे और आपके बहुत काम आने वाली है। ये जजमेंट क्या है जरा इस चीज़ को समझना। यहाँ पर असेसी ने बोला कि साहब मेरा जो है ना, ठीक है ना, वॉयलेशन हो रहा है आर्टिकल 19(1)(g) का, संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) का वॉयलेशन हो रहा है। भैया कैसा, क्या केस था जिससे संविधान का वॉयलेशन हो गया? भैया ये बात है असेसमेंट ईयर 17-18 की, 17-18 की असेसमेंट ईयर की बात है। और ये है क्या, 14 सितंबर 2023 को नोटिस आता है असेसी को, असेसी को नोटिस आता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारी 3B में जो तुमने ITC लिया है, ठीक है ना, वो ज़्यादा लिया है और जो तुम्हारा ऑटो पॉपुलेटेड ITC है 2A में वो कम है। तो इसके लिए नोटिस दिया जाता है, ठीक है ना, 10 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को असेसी उसका रिप्लाई करता है दोनों डेट्स पर, ठीक है। अब उसका रिप्लाई देने के बाद ऑर्डर पास कर दिया जाता है 29 दिसंबर को और उस ऑर्डर के अंदर 5 करोड़ की डिमांड निकाल दी जाती है। असेसी चला जाता है भैया हाई कोर्ट कि 5 करोड़ की डिमांड निकाल दी, मेरा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, मैं बिजनेस कैसे करूँगा, 2A और 3B का मिसमैच है, 5 करोड़ की डिमांड है। अब असेसी कह रहा है जी गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये डिमांड तो इन्होंने बेकार दी है, ठीक है भाई। ये पूछा जाता है कि भाई ये तुम्हारा डिफरेंस है तो क्यों है, वो कहता है भैया 3 रीज़न की वजह से डिफरेंस है। डिपार्टमेंट पूछता है बताओ कौन से 3 रीज़न है, वो कहता है साहब मैंने ना क्रेडिट नोट इशू करे थे। जरा ध्यान से समझना, असेसी क्या कह रहा है कि सर मैंने ना क्रेडिट नोट इशू करे थे, मतलब अपनी लायबिलिटी को कम करना था मुझे, तो अपनी लायबिलिटी को कम करना था 3B के अंदर टेबल नंबर थ्री में अपनी लायबिलिटी को कम करना था, लेकिन मैं वो नहीं करा, मैंने सोचा कुछ अलग करता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं थी। तो 3B में लायबिलिटी कम ना करके मैंने क्या करा, टेबल नंबर 4 में ITC ले लिया, टेबल नंबर 4 में इसका ITC क्लेम कर लिया। जरा आप बात को समझ रहे हो, क्रेडिट नोट अगर होता है तो हमें अपनी लायबिलिटी कम करनी होती है और अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए हम उसे 3B की टेबल नंबर, ठीक है ना, 3 में दिखाते हैं, लेकिन असेसी ने वहाँ नहीं दिखाया और उसके बदले में उसका ITC ले लिया। तो अब असेसी कह रहा भैया बात तो एक ही है, या तो लायबिलिटी कम करो तो या ITC ले लो, ठीक है ना। असेसी को ये पता नहीं भाई ये बात एक नहीं अलग अलग है। इस वजह से क्या हुआ, ये 3B में ITC ज़्यादा क्लेम कर लिया और ITC 2A में कम आ रहा है। तो असेसी का कहना ये है कि भैया ये तो नो रिवेन्यू इम्पैक्ट, कह रहा भाई साहब ऐसा इस वजह से कोई भी डिपार्टमेंट का रिवेन्यू नहीं है, क्रेडिट नोट गलती से ITC में दिखा दिया। ऐसा आप लोगों ने भी करा होगा, लेकिन डिपार्टमेंट क्या कहता है, भैया अगर तुम्हें लायबिलिटी कम करनी थी तो कम करते, ठीक है, या अपना रिफंड क्लेम करते, ITC ऐसे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो डिपार्टमेंट ने इसकी क्या करी, डिमांड निकाल दी 4 करोड़ रुपये की, ठीक है ना। और मुद्दा क्या था, और मुद्दा इसके अंदर क्या था, सर्कुलर नंबर 183 आया हुआ है। सर्कुलर नंबर 183 क्या कहता है कि अगर तुम्हारे 3B और 2A में डिफरेंस है तो आप क्या करो, आप ना CA का सर्टिफिकेट ले दो, CA का सर्टिफिकेट ला दो कुछ सिचुएशंस में, तो हम इस डिफरेंस को छोड़ देंगे। तो असेसी ने ये सर्टिफिकेट भी दिया CA का, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे कंसीडर नहीं करा और डिपार्टमेंट ने ना कंसीडर करके उसकी 4 करोड़ की डिमांड निकाल दी। तो क्या ये सही है या गलत है, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ इन दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। तो भैया यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि भैया ठीक है असेसी से गलती हो गई, क्रेडिट नोट को दिखाना चाहिए था GSTR 1 में, 3B में अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहिए था, लेकिन अगर असेसी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है ना, असेसी ने ऐसा नहीं करा या सिर्फ GSTR 1 में दिखा दिया और 3B में नहीं दिखाया, 3B में ITC के अंदर दिखा दिया, तो इससे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये एक रिवेन्यू न्यूट्रल केस है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई आप दोबारा से, ठीक है ना, इन्होंने डिपार्टमेंट को क्या निर्देश दिया कि इस गरीब से 4 करोड़ की पेनल्टी ना लो, 4 करोड़ का टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ना लो, आप दोबारा से इसे चेक करो, आप दोबारा से इस केस को चेक करो, इसके 2A 3B को दोबारा से मैच करो। और जो ये कहानी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई मैंने क्रेडिट नोट को 3B में दिखा दिया, उसे चेक करो और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट को भी कंसीडर करो, ठीक है ना, जो 53 लाख के लिए सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है ना, और 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना, 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा से
ऑर्डर पास करो, असेसी को, पिटिशनर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो, पर्सनल हेयरिंग दो और उसके बाद फ्रेश ऑर्डर दो। जी क्या चीज़ों को कंसीडर करते हुए? पिटिशनर की कंटेंशन को कंसीडर करते हुए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि भाई अब जब दोबारा ये कहानी जाएगी तो ये जो क्रेडिट नोट को 3B में लाइबिलिटी से कम करने वाली बात थी, वहाँ से कम ना करके ITC ले लेने के केस में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या डिपार्टमेंट इसमें रिलीफ देगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर असेसी, ठीक है ना, उस क्रेडिट नोट को अपनी 3B में दिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है 3B में माइनस फिगर नहीं जाती। हो सकता है उस पीरियड में असेसी की कोई सेल ही ना हो 3B में, इसलिए वो क्रेडिट नोट ना दिखा पाया हो। और अगर वो इस वजह से क्रेडिट नोट नहीं दिखा पाया और इसकी वजह से ITC क्लेम कर लेता है, तो हो सकता है असेसी की बात को हाई कोर्ट मान ले, हो सकता है असेसी की बात को डिपार्टमेंट मान ले। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना। और अगर ऐसी ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए GST की तो आप हमारा, ठीक है ना, GST का अर्जुन कोर्स ले सकते हो। सर अर्जुन कोर्स तो बहुत महंगा होगा। नहीं भैया, 150 घंटे का कोर्स है, 7200 रुपये में मिल रहा है, रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, जो क्लास छूट गई है सबकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो फटाफट से ले लो, सारी चीज़ें सीख जाओगे। और हाँ, ये जो हमारी जजमेंट है, इस बार की मैगजीन में 8 से 10 जजमेंट हम आपको देंगे। तो अगर किसी की मैगजीन एक्सपायर हो रखी है या मैगजीन, ठीक है ना, नहीं ली है, तो आप हमारी टीम से मैगजीन ले सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।